अलग आइटम बनाने वाले, बने रहना। बात आपको बतानी है कि लैंडलॉर्ड का आज रिप्लाई आया और रिप्लाई में उसने कहा है बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है लैंडलॉर्ड, इतना होना नहीं चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके वो पकड़ के बैठा है। और वैसे भाई आज आईफोन 16 लॉन्च हो गया है और मेरे हाथ Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Good morning, how are you? I'm fine. What are you doing, Naira? I'm just all for this. Huh? तूटी गयू? तू ब्रश करे छे? हाँ। बताओ ब्रश। अरे वाह, वेरी गुड। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज हम लोग फॉर अ चेंज व्लॉग चालू कर रहे हैं शाम के 7 बजे, तो बज रहे हैं शाम के 7। और अभी फ़िलहाल मैं और नायरा जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने और थोड़ा टहलने। और एक्चुअली हुआ क्या कि आज हम लोग इतने ज़्यादा काम में थे, मेरा सुबह से इतना ज़्यादा काम का बैकलॉग था, खुशबू का भी इतना सारा काम था कि हमने व्लॉग चालू किया ही नहीं। फिर शाम को हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई आज तो व्लॉग ही नहीं लिया। हमने बोला ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे भाई, आप लोग वेट करते हो और हमारे डेली व्लॉग्स के लिए, तो व्लॉग लेना तो बनता है भाई। इसीलिए हम लोग आज शाम को 7 बजे व्लॉग चालू कर रहे हैं। बने रहिए, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा टहलने। नायरा, वेयर आर वी गोइंग? Where are we going? Round. Round. We're going for a round. Yes. And you are wearing Papa's watch. Can you please show? No. कोनी watch है? ये Papa की watch है. तो आपु मने? अले. ले लो. काटो, ये काटो. Okay, काट लो. Thank you, Naira. Come, let's sit here. Papa, मैं मान लेती बैठो. क्यों? And Papa, आपु चलवात. लाओ पेरी. Okay. चलो अपने स्ट्रोलर में जाऊँ चाहे नहीं बैसूँ। ओके, अभी मैडम ने डिसाइड किया कि उसको स्ट्रोलर में बैठना नहीं है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। चलो सबसे पहला काम है कि ये कचरा ज़रा डाल देते हैं अंदर। तो आपको चलो दिखाता हूँ हमारा कचरे का एरिया। जो हमारे बिल्डिंग में ना, देखो ये रूम है, इसमें ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे कचरे के बिन्स होते हैं। बस इसमें से अभी कोई भी आपके मनपसंद बिन को खोलो और इसमें डाल दो। अभी ये तो भरेला है, ये भी भरेला, इधर डाल दिया मैंने। चलो तो मैं तने कीधु तू तो बेसी जा चल स्टोलर में।
चल जल्दी जो मजा उसे। उसको देखो ऐसे, इसने ना यहाँ पे अपने बाबू को बिठा दिया, उसमें भी बाबू गायब है, खाली बाबू के कपड़े रह गए उसमें। चल चल नहीं, चलो। निकलते निकलते आधा घंटा हो गया, बैठ ही नहीं रही थी मैडम, लेकिन फाइनली उसको थोड़ा, अभी मैंने लॉली का लालच दिया है तो देखो भाई बैठ गई है स्टॉलर में, क्या करे भैया। एनीवे देख लो, ये है कुछ बाहर के नज़ारे, बज रहे हैं 7:15। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग हमेशा हमारे दिन का लुक दिखाते हैं, हमारे एरिया का पूरा दिन का सब दिखाते हैं आसपास का, आज आपको थोड़ा नाइट लुक देते हैं, फॉरेस्ट आपको भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। तो देख लो ये है भाई अभी कुछ ऐसा, जितना आपको वीडियो में दिख रहा है ना उससे ज़्यादा अंधेरा है, बट ये वीडियो में क्योंकि कैमरा अच्छा है इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि थोड़ा ब्राइट है, लेकिन ये जितनी ब्राइटनेस आपको दिख रही है उतनी ब्राइटनेस है नहीं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। क्योंकि अभी सितंबर आ गया है तो अभी यहाँ पे दिन भी छोटे हो गए अभी, तो अभी अराउंड 7:30 बजे तक तो सनसेट हो ही जाता है। तो हाँ मतलब अभी बोल सकते हैं ऑफिशियली कि समर हो गया है ख़त्म। अभी अगर शाम को आपको घर से बाहर निकलना हो तो भाई लाइट जैकेट पहनना पड़ता है। पहले तो मैं ऐसे मस्त टी शर्ट में घुमा करता था ये टाइम पे शाम को, और ये टाइम पे तो धूप हुआ करती थी, लेकिन भाई अभी हिम्मत नहीं कर सकते। नायरा को भी जैकेट पहना दिया है और मैंने भी पहन लिया है भाई, अभी ठंड लगना शुरू हो गई है प्रॉपर, घर पे भी ठंड लगती है अभी। चलो आपको एक और नज़ारा दे देते हैं हमारे एरिया का, देख लो भाई रात को बहुत सुंदर लगता है हमारा एरिया पूरा। देखो आपको बताना तो भूल ही गए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, एनी गेसेस? आई एम श्योर गेस आपका इजी होगा क्योंकि हम जा रहे हैं सेंसबरी भाई, और कहाँ जाएंगे। चलो वो रहा सामने हमारा प्यारा सा सेंसबरी, रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो रोड क्रॉस करने के लिए आपको दबाना है ये, तो अभी थोड़ी देर में ये बोल रहा है वेट, अभी बस चली गई है। हाँ तो अभी ये जो रेड सिग्नल आपको सामने दिख रहा है ना, ये जो रेड सिग्नल दिख रहा है वो अभी थोड़ी देर में हो जाएगा ग्रीन, फिर हम जा सकते हैं। नायरा, हेलो नायरा, यहाँ जो, चलो हमारा सिग्नल हो गया है ग्रीन। तो जी भैया पहुंच गए सेंसबरीज, चलो चलते हैं। तो भाई आ गए हम लोग सेंसबरीज और शुरुआत करते हैं हमारे शॉपिंग की। सबसे पहले खुशबू ने मुझे बोला है कि ले लेना एक मेयोनीज का डब्बा। सो यहाँ पे ना बहुत सारे, लेकिन ये सारे मेयोनीज है ना एग बेस्ड है, और हम लोग एग नहीं खाते, तो हम लोग को वो वीगन मेयो लेना है। तो बस मैं अभी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये जो सब दिख रहा है ना, ये देखो ये सारे एग वाले मेयो है, और ये एक है प्लांट बेस्ड, लेकिन ये है ना डब्बा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा अपने को चाहिए नहीं, तो देखते हैं कोई छोटा मिल जाए। तो यहाँ पे भाई वीगन मेयो तो नहीं मिला, अभी कहीं और से लेना पड़ेगा। चलो बाकी की शॉपिंग करते हैं। अगली आइटम जो मुझे लेनी थी वो थी लेटस, लेकिन यहाँ पे लेटस की वेराइटी इतनी है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लेटस लूँ। तो ये देख लो, ये तो अपनी नॉर्मल आइसबर्ग लेटस जो बोलते हैं ये है, यहाँ पे आइसबर्ग है, यहाँ पे है हार्ट्स ऑफ रोमेन, पता नहीं ये क्या है, ये है ब्रिटिश जेम लेटस, यहाँ पे भी कुछ और है, यहाँ ऊपर कुछ और है, ये भी लेटस है, ये भी लेटस है, राउंड लेटस। अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लेटस लूँ, लेकिन मेरे को ना ये वाला अच्छा लग रहा है, और ये साइज़ में छोटा भी है, सो इसमें दो पीस आते हैं लेटस के, आई थिंक इससे काम चल जाएगा, तो ये ले लेते। चलो ये इसको बोलते हैं ब्रिटिश लिटिल जेम लेटस। ये पर्यूषण अभी ख़त्म हो गया है, हम लोग वापस हमारी नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं, मतलब हम लोग अभी ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां और वो सब खा सकते हैं, इसलिए मैंने लेटस लिया है। क्योंकि आज हम लोग कुछ सैंडविच टाइप बनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे कुछ तो अलग आइटम बनाने वाले, बने रहना। एक ले लेते हैं ये ब्रिटिश मैच्योर शेडर चीज़, ये भी काम आएगा। एक ले लेते हैं ये 1 लीटर का दूध का कैन। घर पे 3 बनाना पड़े, लेकिन मैडम को घर पे खाना नहीं होता, अभी यहाँ पे इसने बनाना देख लिया तो बोलती है पापा मुझे बनाना खाना है। अभी इसको ढूंढ के देते हैं, चलो इसमें से एक थोड़ा पका हुआ निकालते हैं नायरा आपके लिए। ओके ये सब कच्चे हैं नायरा, मुझे ये वाला एक ठीक लग रहा है, तो ये एक दे देते हैं इसको, इसका पेमेंट बाद में मैं कर लूँगा बनाना ऐड करके। ये लो नायरा एंजॉय। चलो नायरा बनाना खाओ अवे, गुड गर्ल भाई, वो यमी छे, चलो अवे हैप्पी। बहुत दिनों से कोक नहीं पिया,
तो आज मुझे यहाँ पे कोक दिख गया तो मुझे मन हो गया। जनरली मैं ऐसा गिल्ट फ्री वाला टिन लेता हूँ, सो ये छोटा सा टिन आता है, मतलब इससे आपका पेट भी भर जाता है, मतलब वो जो क्रेविंग होती है ना कोक की वो भी कंप्लीट हो जाती है और आप ज़्यादा पीते भी नहीं हो। तो जनरली हम लोग ये छोटे वाले कैन ही लेते हैं, ये नॉर्मल 330 ml से भी छोटे है। सो ये है अराउंड मुझे लगता है 150 ml का कैन है ये, एनीवे हाँ शायद 150 ml का ही है ये। तो चलो ये एक मेरा और खुशबू का ले लेता हूँ। ये ले लिया। शॉपिंग होती है हमारी कंप्लीट, लेकिन अभी एक मेयोनीज लेना है तो उसके लिए हमें अभी जाना पड़ेगा लिडल, तो चलो वहाँ चलते हैं। हम लोग पहुँच गए लिडल और देख लो मैडम अपने स्टोलर से हो गई उतर और यहाँ पे देखो क्या कर रही है। चलो होपफुली यहाँ पे हमें वेगन मेयो मिल जाए, लग तो रहा है यहाँ पे भी वेराइटी बहुत है मेयो की। चलो ढूंढते हैं। हाँ 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 ये रहा, लिडल नेवर डिसअपॉइंट्स। देखो हम लोग वैसे भी हमेशा यही लेते हैं, बैट्स का वीगन मेयो, तो इसमें एग नहीं होता। ओके शुड आई पुट इट इन द बास्केट? ओके। शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं घर और यहाँ पे पिंकी का फोन आया है ऑल द वे फ्रॉम समवेयर। तो पिंकी गई है गौरव और मित्तल के घर। हाय मिट्स गैरी, हेलो, सॉरी गाइज नहीं मिल पाए, नहीं आ पाए। बज रही है। गौरव दर्शन करा दो गणपति के। अरे वाह गणपति बाप्पा मोरिया। ओके सो ऐसा है भाई के मिट्स एंड गैरी, आपने हमारे मीटअप ब्लॉग में देखा होगा, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था अपने घर पे, गणपति है तो दर्शन करने आने के लिए, लेकिन यहाँ से काफी दूर है लंदन से उनका घर। मतलब हम लोग वीकेंड पे तो जाते थे लेकिन हमारा इस बार परमिशन के कारण हमारा सब नहीं हो पाया, लेकिन पिंकी आफ्ताब वो लोग गए हैं तो अभी पिंकी ने इसीलिए स्पेशली हमें वीडियो कॉल करके दर्शन कराने के लिए ही फ़ोन किया था। सो पिंकी हेलो, ये देख लो भाई मित्तल भी आ गए यहाँ पे। सॉरी मित्तल नहीं आ पाए हम लोग। यहाँ पे हमारा खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई, आपको बताते हैं हम लोग आज कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं। तो कुछ मुझे ना बता दे अपन क्या बनाने वाले आज। आज सबवे जैसा कुछ बनाने वाले। तो बेसिकली हुआ यू कि मैं कल लिडल गया था, तो लिडल में ना ऑफर्स आती रहती है कि आपको है ना, आपके पास अगर लिडल प्लस की मेंबरशिप तो आपको फ्री में ब्रेड्स या कुछ तो अजीब सा कुछ तो मिलते रहते हैं फ्री में। तो वहाँ पे ना मेरे को बगेट दिख गया, तो जनरली है ना मैं प्रेत में ये बगेट बहुत खाता हूँ, इसमें सब वेजिटेबल्स डाल के, तो ये बगेट मिल रहा था तो मैंने एक बगेट ले लिया, ऑफर में अपने को फ्री में मिल गया। नायरा को बता देते हैं। हेलो नायरा इज एंजॉयिंग हर ब्रोकली। सो मैं कह रहा था कि क्योंकि ये बगेट मिल गया तो हमने बोला कि ये बगेट का कुछ बनाएंगे, पॉल्यूशन खत्म भी हो रहा है तो बगेट का कुछ बनाएंगे। ओके दारू ग्लास भी जो ले। वेरी गुड नायरा, वेरी गुड। एमा पानी आउसे। ओके हाँ तो प्लान ऐसा है कि भाई हम लोग अभी बगेट में क्या क्या डालने वाले खुशबू, अपन ये लेटस जो अभी मैं लाया वो पहले लेटस का लेयर करेंगे। ये देखो ये लेटस का लेयर करेंगे, सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स में क्या क्या है, येलो कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटर है, स्प्रिंग अनियन है, फिर यहाँ पे मैंने वो फ्रोजन वेजिटेबल भी बॉइल करके रखे, तो फ्रोजन वेजिटेबल्स भी बॉइल करके रखे, ये भी जाएंगे। और कुछ जाने वाला है इसमें, ऊपर चीज बना के रखा है और ये मेयो और सलसा सॉस के कॉम्बिनेशन का सॉस बना के रखा है। तो अभी एक बार बन जाए फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो भाई मुंबई से वीडियो कॉल आ गया है, मेरी सासू माँ मतलब खुशबू की मम्मी अभी हमारे घर पे है मुंबई में, तो मम्मी मेरी सास और खुशबू की सास दोनों साथ में है आज, देखो हमारे घर पे। दिखा दो दूसरी किधर है। बातें कर रहे हैं। हाँ सरस, तो एंजॉय करो। तो एक्चुअली गए हैं मेरे मतलब खुशबू के पेरेंट्स आए हैं मुंबई कुछ काम से, तो वो लोग आज हमारे घर पे रुकने वाले हैं, मतलब मम्मी है घर पे तो आज वो लोग वहीं पे हैं। तो बस अभी दोनों वेवाण गप्पे मार रही है, रात के बज रहे हैं अभी अराउंड 1:30 बजते होंगे, लेकिन दोनों वेवाण अभी गप्पे मार रही है तो मारने देते हैं दोनों को, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं साथ में। सो क्यों छो 12 बजे से 1 बजे तक गप्पे ही मारे। ये लो अपनी पोती से नातिन से मिल लो नायरा, जो नानी ने दादी साथे। नहीं। नहीं।
अभी हमारी सारी सामग्री इंग्रेडिएंट सब रेडी हो गए यहाँ पे, और अभी हम लोग इसको सबवे स्टाइल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले खुशबू ये बगेट को, बगेट एक टाइप का ब्रेड ही होता है, बस इसको हम लोग पहले डालेंगे ओवन में, बराबर? पहले ओवन में डाल देंगे ना? हाँ, तो पहले उसको गर्म होने देंगे ना थोड़ा, उसको ब्रेड को, हाँ, इसमें ऊपर चीज डाल दो क्योंकि वो सबवे वाले वैसे ही करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग ये अभी जो मैंने सेंसबरी से जो चीज लिया था उसका एक लेयर हम यहाँ पे डाल देंगे, शेडर चीज का। तो ये जा रहा है हमारा पहला बगेट, इधर हमारा बगेट हो गया है गरम, चीज भी पिघल गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा हमने रहने दिया है क्योंकि वो उसका मजा आता है टेक्सचर का वैसे खाने को। अभी लेटस ना डालो, लेटस पहले गरम है, लेटस के लेयर के बाद जाएगा स्प्रिंग अनियंस, आई होप ये बंद हो ज्यादा मत डालना। तीन टाइप के, अच्छा दो टाइप के कैप्सिकम है, येलो और ग्रीन, और साथ में है टमेटोज। ओके मैडम, क्या चल रहा है आपका? और ये देख लो भैया, अब जा रहे थोड़े से मिक्स वेजीज, प्रिंग सॉस ऊपर से, सॉस ऊपर से, बस 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 ज्यादा मत डालो। और ये लो जी भाई, हमारा बगेट सबवे स्टाइल बगेट हो गया है रेडी। आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस। रात के 10:30 खाना वाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री। अभी आपको दिखाते हैं कल जो हम लोग ने सिलिकॉन लगाया था यहाँ पे, ये देखो ये अभी अच्छे से ड्राई हो गया है, और ये मस्त है देखो यहाँ पे हो गया, चिपक गया है मस्त, ये देखो यहाँ पे भी बहुत मस्त हो गया है हमारा। सो गाइज, आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। हम लोग ने यूनिबॉन्ड का लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यूनिबॉन्ड कंपनी का ये सिलिकॉन वाला ट्यूब लिया था, आप लोग भी ले सकते हो, 5-6 pound का आता है, ये अमेजोन पे मिल जाता। तो ये तो थी एक बात। दूसरी बात आपको बतानी है कि लैंडलॉर्ड का आज रिप्लाई आया, और रिप्लाई में उसने कहा है कि भाई मेरे को तुम मिनिमम 600 pound दो। वो बोल रहा है कि हम लोग ने मतलब सेटलमेंट की हमारी बात चल रही थी, तो हमने उसको बोला था कि भाई हम 200-300 तक दे देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। उसने, उसके पास हमारे 800 pound जमा है, तो हमने उसको बोला था कि भाई हम 300 तक दे सकते हैं आपको, लेकिन बाकी आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं आप 600 दो तो ही मैं मानूंगा। तो हमने बोल दिया भाई 600 हम देने वाले हैं नहीं, अभी आपको TDS में लेके जाना है तो TDS में लेके जाओ। तो अभी हमारा केस, हमने बोल दिया कि भाई हमको टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम में जाना है, लेकिन उसके पहले उसने बोला कि अगर तुमको जाना ही है तो मेरे को एक दिन और सोचने का टाइम दो। तो अभी हमारी एजेंसी बीच में है, तो एजेंसी ने बोला कि एक दिन का और टाइम दे दो लैंडलॉर्ड को, उसको सोचने दो, अगर वो कुछ ऑफर लेके आता है कि 300 नहीं तो 400 ऐसा कुछ, फिर आप लोग सोचना, वरना आप TDS में क्लेम डाल देना। तो भाई हम लोग फॉर्म है कि हम TDS में क्लेम डालने वाले अभी। और मतलब हमने हमारे यहाँ के जितने जान पहचान वाले सबसे बात की, सबसे बोला बताया कि क्या क्या उन्होंने बोल रहे, क्या क्या क्लेम कर रहे हैं, हमको सब ने बोला है कि भाई ये तो वेयर एंड टेयर में आता है। कोई ऐसे फ्रेंड से भी बात की जिनके यहाँ पे बहुत सारे घर है जो ऑलरेडी रेंट करते हैं, और उन्होंने बताया कि भाई ये सब तो वेयर एंड टेयर में आता है, ही इज चार्जिंग टू मच। एग्जैक्टली, आप लोगों ने कमेंट्स में भी सबने बताया कि भाई कुछ ज्यादा ही बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है लैंडलॉर्ड, इतना होना नहीं चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो पकड़ के बैठा है। बट एनीवे, अभी जो है सो है, यही है, अभी देखते हैं टेनेंसी डिपॉजिट स्कीम वाले क्या करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लैंडलॉर्ड के एक दिन के लिए और वेट करने वाले, अगर वो मानता है सेटलमेंट के लिए 300 pound पे तो ठीक है, वरना फिर हम लेके जाएंगे तो केस को। का अपडेट ये है, अभी जैसे ही आगे कुछ भी आंसर आएगा तो आपको बताएंगे कि हम जा रहे हैं टीडीएस स्कीम में कि नहीं, क्या है। और वैसे भाई आज आईफोन 16 लॉन्च हो गया है और मेरे हाथ में खुजली आनी शुरू हो गई है, मतलब मैं ना एक आईफोन फैन हूँ, पर ऑब्वियसली इस बार मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को लेना नहीं है, मेरे पास अभी आईफोन 14 है, अभी 2 साल हुए हैं, इतना जल्दी मैं नया फोन नहीं लूंगा। लेकिन वो बोलते हैं ना आईफोन इवेंट जब आता है ना सेप्टेम्बर में, तो वो उसका जो इवेंट देख के ना, फोटोज वोटो वीडियो देख के मन हो जाता है कि नया आईफोन ले लेना, लेकिन नहीं भाई इस साल हम कंट्रोल करेंगे। लंदन भाई बहुत महंगा पड़ रहा है फिलहाल, मेरे पास इतना अभी पैसा बच नहीं रहे कि उससे कुछ ले सके हम। बट एनीवे, किसी को लेना हो तो गाइज, आईफोन 16 प्रो आ गया है, बहुत ही मस्त आया है,
देखो आप खाली जाके एप्पल की वेबसाइट पे क्या बढ़िया फीचर्स हैं, देखते हैं। चलो फिर तो बस भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सॉरी आज कुछ ज्यादा बताने को था नहीं, हम दोनों बहुत ज्यादा बिजी थे। एनीवे आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। Life is a winding road, no telling where.